और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संकुलन क्षमता के बारे में, पैकिंग इफिशियंसी। दोस्तों इस संकुलन क्षमता है क्या, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी, किसे कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अपने नाम से ही परिचय दे रहा है, संकुलन क्षमता, यानी कि जब परमाणु अणु आयन जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वायवीय कण होते हैं, जब वो पूरी तरह क्रिस्टल में संकुलित हो जाते हैं, फिर जो क्रिस्टल की मजबूती आती है उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी। अब यहाँ पर हम लोग पहले डिफिनेशन जानेंगे फिर इसका मतलब समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अवायवी कणों, अवायवी कणों यानी परमाणुओं अणुओं अथवा आयनों के किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में कुछ मुक्त स्थान सर्वदा शेष बचा रहता है। यानी कि हमने दोस्तों कहा जो ये अवायवी कण होते हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे अवायवी कण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो दोस्तों अवायवी कण के अंतर्गत परमाणु आएंगे, अणु आएंगे और आयंस आएंगे, राइट। तो ये सब दोस्तों अवायवी कण के अंतर्गत आते हैं। अवायवी कण में जैसे परमाणु अणु अथवा आयन कि किसी भी प्रकार से संकुलित होने पर कुछ रिक्त स्थान सर्वदा शेष बचा रहता है। बात समझ में आ रही है, जरा समझिए, कुछ रिक्त, भाई आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल लिया और क्रिस्टल में गोले क्या हैं, अरेंजमेंट हैं, छोटे छोटे जो परमाणु हैं क्रिस्टल में क्या हैं दोस्तों, अरेंजमेंट हैं यानी व्यवस्थित हैं। लेकिन संकुलन क्षमता आप देख पा रहे हैं, संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत होता है जो अवायवी कणों द्वारा संपूरित होता है। यानी कि जो भाग आप देख पा रहे हैं अवायवी कणों द्वारा दोस्तों संपूरित है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संकुलन क्षमता है क्या, संकुलन क्षमता कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत होता है जो अवायवी कणों द्वारा क्या होता है दोस्तों, संपूरित होता है, राइट। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में आप देख पा रहे हैं गोले बैठाए गए हैं, तो ये जितने गोले घेरे गए हैं ना, तो यही है इस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी, राइट। और आप देख पा रहे हैं कुछ रिक्त स्थान सर्वदा शेष बचा है कि नहीं, कुछ रिक्त स्थान सर्वदा शेष है, बट रिक्त स्थान सर्वदा शेष तो रहेगा, कुछ स्थान अवायवी कणों द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। तो जो स्थान अवायवी कणों द्वारा दोस्तों घिरा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता कहते हैं, राइट। आप ऐसे इमेजिन करिए, आप एक छोटा सा दोस्तों डिब्बा लीजिए और इस डिब्बे में बहुत ढेर सारी गोलियां भर दीजिए, आप देखेंगे डिब्बे में छोटी छोटी गोलियां भी भरी हैं और कुछ गोलियों के मध्य रिक्त स्थान है। तो दोस्तों जो भाग गोलियों के द्वारा घिरा है वही संकुलन क्षमता है, रिक्त स्थान को आप छोड़ दीजिए, राइट। अब इसके लिए एक फार्मूला भी है, बड़ा ही सिंपल फार्मूला है दोस्तों। देखिए जब तक आप फार्मूला नहीं जानेंगे तब तक आप यस सी सी बी सी सी एफ सी सी का संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशियंसी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, फार्मूला क्या है, संकुलन क्षमता यानी पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता दोस्तों पैकिंग इफिशियंसी बराबर क्या होता है, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन इंटू 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना रहता है भाई। ये एक सपोज मान लीजिए आयताकार डिब्बा है, इस डिब्बे में हमने बहुत ढेर सारी गोलियों को भर दिया, अब हम यही तो चेक करेंगे कि पूरा का पूरा जो डिब्बा है गोलियों से कितना परसेंट भाग संकुलित है, कितना प्रतिशत भाग खाली है, राइट। तो संकुलन क्षमता दोस्तों पैकिंग इफिशियंसी बराबर यही होता है, पैकिंग इफिशियंसी बराबर यही होता है, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन। बात समझ में आई, यानी आप देख पा रहे प्रत्येक गोला, ये जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं इनके द्वारा जो घेरा गया आयतन होता है, पहले वो हम यहाँ पर रखेंगे अंश में, हर में क्या रखेंगे, एकक कोष्टिका का कुल आयतन। अच्छा दोस्तों यदि प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन हो तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिए।
चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। फार्मूला हमने क्या कहा, प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन बटे एकक कोष्ठिका कुल आयतन। प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन, जरा आप ध्यान दीजिए, एक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। अब अगर सरल में एटम कितने होते, 1, या सीसी अगर होगा फेस में एटम 4 होगा, बीसीसी में एटम 2 होगा, तो यहाँ पर जितना एटम होगा हम रख देंगे। सपोज मान लीजिए हम बीसीसी के लिए निकाल रहे हैं, यानी बॉडी सेंटर में 2 एटम होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका का आप देख पा रहे हैं ये हम लोग कैसे निकालते हैं, लेंथ वेट हाइट देखते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम सेम होती है, AQ। अच्छा, ए क्या है आपको हम आगे बताए थे दोस्तों, ए का वैल्यू होता है r = a/2। ये सरल के लिए है, r = a/2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2r। जरा आप ध्यान दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ये सरल के लिए यानी यह सीसी के लिए है। यही दोस्तों बीसीसी के लिए हम लोग क्या जाने थे, बीसीसी के लिए बताया गया था जो बॉडी होता है उसके लिए बताया गया था r = a√3/4, राइट। और अब यहाँ पर एक का वैल्यू निकाल लीजिए, a = 4r/√3, राइट। तो ये जो है दोस्तों ये बीसीसी के लिए है, और ये सीसी के लिए आप क्या निकालते हैं दोस्तों, r = a√2/4। ये दोस्तों इस आप किसके लिए निकालते हैं, ये सीसी के लिए निकालते हैं, यानी a का वैल्यू निकालेंगे a = 4r/√2। तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम यस सीसी के लिए संकुलन क्षमता निकालेंगे तो ए का वैल्यू हम ये रखेंगे, जब बी सीसी के लिए निकालेंगे तो ये रखेंगे, यफ सीसी के लिए निकालेंगे तो ये रखेंगे, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों थोड़ा हम लोग यहाँ पर सरल घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, इसके पूर्व वीडियो में हमने इन सभी के बारे में यस सीसी, यफ सीसी, बी सीसी के बारे में बताया है, वहाँ पर आप जाके अध्ययन कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r = a/2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r = a√2/4, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r = a√3/4। तो ये क्या है, ये हमने बताया है अगले वीडियो में, आप जाइए पिछले वीडियो में आप देखिए, वहाँ हमने बताया है इज लेंथ और एटम के मध्य का रिलेशन दोस्तों, यानी भुजा और परमाणुओं की त्रिज्याओं के मध्य का रिलेशन है। ये सरल के लिए है, ये फेस के लिए है, ये बॉडी के लिए है। तो वहाँ पे आप जाइए देखिए अध्ययन कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सरल घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता के बारे में जानते हैं। ये सरल घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता है क्या, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सरल घनी एकक कोष्ठिकाओं संकुलन क्षमता। अब अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हो तो भाई प्रत्येक गोले परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन आप यहाँ पे रखिए, 4/3 πr³ × सिंपल में सरल में एटम एक होता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके अध्ययन कर लीजिए। यह सीसी में एक होता है, यह सीसी में 4, बीसीसी में 2, ईसीसी में 2, राइट। ये एटम अरेंजमेंट होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया, वहाँ पे आप जाइए देखिए, वहाँ पे हमने हेडलाइन में लिखे हैं कि इसमें कितने एटम होते हैं, आप देखिए वहाँ पर मिलेगा आपको 4/3 πr³। सरल के लिए निकाल रहे हैं तो 1 एटम का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही तो एटम है, /a³। एकक कोष्ठिका का आयतन × 100 का मल्टीप्लाई किए। यहाँ पर ये सब क्या है, सरल घन एकक कोष्ठिका की भुजा ए है, एकक कोष्ठिका का आयतन ये है, रिलेशन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए = 2r होता है, सरल एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या 1 होता है, राइट। ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 2r, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2r का होल क्यूब हो जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर 4 ऊपर अंश में क्या बचेगा, 4 बचेगा, पाई बचेगा, r³ बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3 दोस्तों डिवाइड में चला आएगा, और ये 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, r³ से r³ कैंसिल, 4 × 4 = 8, यानी π/6, पाई का वैल्यू रखिए दोस्तों 3.14/6। अब आप यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 3.14 में 6 से जब आप डिवाइड करते 0.52 आता है, 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 52%।
ये बात आपको समझ में आ रही है, यानी कि ये अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कैसी कोष्ठिका है बताइए जरा आप लोग। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं कोष्ठिका, ये सरल घनी एकक कोष्ठिका, सॉरी ये सरल एकक कोष्ठिका है। सरल एकक कोष्ठिका में होता क्या है, एटम केवल कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। अब इन कॉर्नर के रिस्पेक्ट में जब आप एटम निकालते हैं तो ओवरऑल वन एटम आता है, यानी सरल एकक कोष्ठिका में कुल एक एटम होते हैं पूरा मिलाकर, क्योंकि एटम का भाई पूरा भाग तो अंदर होगा नहीं, ज़्यादातर भाग बाहर भी तो होता है ना, तो जो अंदर भाग होता है उसी को हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो सरल एकक कोष्ठिकाएँ होती हैं एक एटम के द्वारा 52% भाग घिरा होता है। अब अगर यहीं पर स्पेस वॉइड निकालें, स्पेस वॉइड दोस्तों, स्पेस वॉइड का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो 100 में से क्या कीजिए, 52 को माइनस कीजिए, 48% आएगा, राइट। यानी 48% भाग क्या होता है, रिक्त होता है, बाकी 52% भाग क्या होता है दोस्तों, घिरा होता है। ये बात समझ में आई दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग समझ पाए सरल घनी एकक कोष्ठिकाओं की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके बाद वीडियो लेक्चर में हम लोग BCC और FCC की संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे, वहां पर आप जाइए देखिए अध्ययन कीजिए, फार्मूला आप यहीं पे देख लीजिए, वहां पर हम आपको केवल BCC FCC के बारे में बताएंगे बस।